की गलियों में देखो धूम मची है आज, बाल बाल और गोप गोपियां झूमे सकल समाज, खरा गगन में हर्ष मचाया बजे मुरलिया साज, मोर मुकुट पीतांबर धारे आ पहुँचे ब्रजराज, बोलो जय कन्हैया लाल की। नमस्कार, सीमा इंडियन रसोई एंड ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी लेट से मिल रही है क्योंकि होली के बाद थोड़ा थकावट भी हो जाती है और मेरे भाई का शादी है तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता है, शॉपिंग वगैरह करना पड़ता है और यहाँ सुबह का टाइम हो रहा है और ये होली के दिन का ही वीडियो है। तो यहाँ पर मैं सुबह में झाड़ू और पोछा लगा रही हूँ, तो सबसे पहले मैं सभी रूम में झाड़ू लगा लूँगी और इसके बाद पोछा लगा लूँगी। और ये देखिए, हस्बैंड से बोली थी कि आप बाल्टी में पानी ला करके दे दीजिए तो वही ये हमें पहुंचा दिए हैं। और त्योहार के दिन काफी काम भी हो जाता है पर हमारे घर में कोई मेड वगैरह नहीं आती है तो हम लोग खुद ही मिलजुल करके काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा बेटा चादर उठा रहा है सभी रूम का और हम लोग आज चादर वगैरह भी धो लेंगे। और वैसे भी भारतीय पंचांग के अनुसार हम लोगों का आज नया साल है। और यहाँ पे देखिए पड़ोसी लोग आ गए हैं मेरे हस्बैंड को कलर लगाने के लिए और ये फर्स्ट बार लगा रहे हैं। वैसे मेरे हस्बैंड कभी कलर नहीं खेलते हैं, इनको कोई फर्स्ट बार कलर लगाया है और वैसे मैं भी नहीं खेलती हूँ। और हमें भी ये लोग कलर लगाए थे पर कैमरा ऑन करना मैं भूल गई थी। तो झाड़ू हमारा हो गया है और मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। और ये देखिए मैं मुंह हाथ धो करके आ गई हूँ, काफ़ी कलर लगा हुआ था और पीछे अभी तक लगा ही हुआ है क्योंकि मैं पीछे नहीं धो पाई थी और इसलिए धो ली थी कि कलर गिर रहा था जब मैं पोछा लगा रही थी तो सब जगह गिर रहा था इसलिए मैं धो ली थी। और मैं यहाँ पे घर में पोछा लगा रही थी और मेरे हस्बैंड ऊपर वाले सीढ़ी और बाहर गली में बाहर में सभी जगह वो भी धोना धाना कर रहे थे क्योंकि त्योहार भी है और नया साल भी है। और ये देखिए साहब ज़्यादा मोबाइल चला रहे हैं। और वैसे मेरा छोटा बेटा मोबाइल नहीं चला रहा है, वो आज होली की कुछ स्टेटस डाल रहा था यानी शॉर्ट्स वीडियो डाल रही थी, मैं ही बोली थी कि डाल दो तो वही ये डाल रहा था। और ये देखिए मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ और ये देखिए मेरा चापाकल और यहाँ पे ये मेरा मेन गेट है पर हम लोग चार जन ही रहते हैं तो मैं ये गेट को बंद ही रखती हूँ, पूजा पाठ या त्यौहार में इसे खोल देती हूँ। और ये देखिए मैं नहा धो करके और आ गई हूँ और काफ़ी देर के बाद मैं यहाँ पर कैमरा ऑन करी हूँ और यहाँ पर मैं बना रही हूँ गुजिया, तो मैं यहाँ पर फटाफट से गुजिया बना लेती हूँ। और वैसे बहुत सारे काम करी हूँ पर मैं उसकी वीडियो नहीं कर पाई हूँ क्योंकि त्यौहार के दिन टाइम नहीं मिलता है, फटाफट काम करने होते हैं। पूजा पाठ भी मैं करी थी पर उसकी वीडियो मैं नहीं बनाई थी। तो चलिए फटाफट से हम गुजिया बना लेते हैं और इसके बाद मैं पुआ की बैटर भी घोल करके रखी हूँ तो हमें पुआ भी बनाना है, तो शायद कोई वीडियो छूट भी जाए तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और यहाँ पे गुजिया बनाने में मेरा बेटा भी हेल्प कर रहा है और मेरे हस्बैंड काम करके थक गए हैं तो थोड़ा सा वो रेस्ट कर रहे हैं। तो मैं नीचे नहीं बैठ पाती हूँ इसीलिए मैं टेबल पे ही पूड़ी बेल रही हूँ गुजिया की। और बड़ा बेटा मेरा भर रहा है और छोटा बेटा इलायची कूट रहा है ओखली में क्योंकि हमें पुआ की चाशनी में डालनी है। तो सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। तो ये देखिए गुजिया हमारा रेडी हो गया है और वैसे मैं गुजिया की रेसिपी भी डाल रखी हूँ तो आप वीडियो को देख लीजिएगा। और मैं यहाँ पे मालपुआ बना रही हूँ और हम मालपुआ की भी वीडियो डाल रखी है और ये मालपुआ काफ़ी अच्छी बनी थी और बहुत टेस्टी भी लग रही थी और ये देखिए देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रही है।
तो ये देखिए मालपुआ हमारा फटाफट बन रहा है और बहुत जल्दी भी बन गया था। पता नहीं क्यों इस बार काफ़ी जल्दी मालपुआ हमारा रेडी हो गया था। आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि कितना फटाफट से ये मालपुआ हमारा निकलते जा रहा है। और इसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं कर पाई थी। इसके बाद यहाँ पे हम लोग कलर खेल रहे हैं और मैं यहाँ पे हस्बैंड को कलर लगा रही हूँ। और वैसे मेरे हस्बैंड हमें पहली बार कलर लगाएंगे तो वही हम लोग यहाँ पे हंस रहे थे। और मैं आप लोगों से बातें करती पर मेरे गेट पे बहुत सारे लोग थे इसलिए मैं बातें नहीं करी हूँ। और शादी के पहली बार ये हमें कलर लगाए हैं। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा पर मैं सच बोल रही हूँ। पता नहीं मैं हर साल इनको बोलती हूँ कलर लगाने के लिए पर ये कभी नहीं लगाते हैं। मैं ही लगाती हूँ, वो कभी नहीं लगाते हैं, पर इस बार लगाए हैं। वो भी मैंने बोली कि वीडियो बन रहा है इसलिए वो लगाए थे। तो यहाँ पे हमारे बच्चे भी कलर लगा रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने नए कपड़े पहने हैं। मेरे हस्बैंड का नया नहीं है पर हम तीनों का नया है। वैसे हम लोग होली में नए कपड़े पहनते हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे नए कपड़े ही पहने हैं क्योंकि ये हम लोगों का फर्स्ट पर्व होता है और नया साल भी होता है इसलिए। और ये देखिए दोनों भाई सुखी होली खेल रहे हैं। वैसे हम लोग पानी वाली होली नहीं खेलते हैं, सुखी ही खेलते हैं। तो ये दोनों भाई भी एंजॉय कर रहे हैं और कुछ हम लोगों ने पिक ली थी तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और इसके बाद मैं फिर से किचन में आ गई हूँ और ये देखिए मैं आज क्या क्या बनाई थी। सूखी गुजिया, रस वाली गुजिया और मालपुआ और कटोरी चाट, बहुत सारी हमने रेसिपी बनाई थी। और वैसे मैंने सब सारी चीज़ की रेसिपी भी डाल रखी है, प्लीज़ आप देख लीजिएगा। और ये देख लिए हमारे मटर के छोले, काफ़ी टेस्टी बनी थी मटर के छोले। और हमने कटोरी चाट और पापड़ी चाट बनाई थी इसलिए छोले बनाए थे। और ये रहा मीठी दही, दही बड़े के लिए। और ये रहा आइसक्रीम कोन, हम बच्चों लोगों के लिए आइसक्रीम कोन मंगाए थे क्योंकि हम आइसक्रीम भी बनाए थे इसलिए। तो ये देखिए फ्रूट कस्टर्ड, क्योंकि हम फ्रूट कस्टर्ड भी बनाए थे। और ये रहा आइसक्रीम, पर पता नहीं क्यों इस बार बच्चे नहीं आए थे और हमने बच्चे के लिए ही आइसक्रीम कोन मंगाए थे और एक भी बच्चे इस बार नहीं आए थे, नहीं तो 25-30 बच्चे भी आ जाते हैं। तो मैं सोची बच्चों लोग के लिए आइसक्रीम ही बना देती हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चों लोगों को आइसक्रीम पसंद आता है। और ये रहा हमारी छेना पायस, और छेना पायस भी हमने काफ़ी ज़्यादा बनाई थी और बहुत ही अच्छी बनी थी। और ये देखिए हमारी छेना पायस। और ये देखिए हमारी होली की रेसिपी, हम लोगों ने क्या क्या बनाई थी। और हमारी आइसक्रीम दो कंटेनर में थी तो एक कंटेनर की थोड़ी खाली हो गई थी और ये बड़ी वाली कंटेनर भरी हुई थी। तो यहाँ पे हम मेरा बेटा आइसक्रीम दिखा रहा है और आइसक्रीम कोन में आइसक्रीम डाल देगा। तो कैसी लगी हमारी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इतनी सारी रेसिपी हमने बना तो ली थी पर इसके बाद होली के बाद हमारी ये फर्स्ट वीडियो जा रही है क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। और वैसे मेरा भाई का शादी है तो हमें शॉपिंग भी करनी पड़ रही है और सिलाई भी करनी पड़ रही है क्योंकि मैं ब्लाउज खुद ही बनाती हूँ तो शादी की तैयारियाँ भी मैं कर रही हूँ इसलिए हमारी वीडियो नहीं जा पा रही है। हमारी 2-3 वीडियो पड़ी हुई है पर मैं नहीं डाल पा रही हूँ, एडिटिंग भी नहीं कर पा रही हूँ। तो प्लीज़ हमें माफ़ कीजिएगा और प्लीज़ फुल सपोर्ट कीजिए, हमारी वीडियो को वॉच कीजिए। तो आप लोगों ने देखा ही कि हमारा बेटा कैसे आइसक्रीम कोन में डाल दिया है। और आइसक्रीम की और हमारी छेना पायस की गार्निशिंग भी हो गई है। और हमारी होली की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये सारी रेसिपी की हमारी वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी, हमने
तभी रेसिपी की वीडियो डाल रखी है। और ये देखिए, तो यहाँ पे कोई कोई लोग भी आने लगे थे, वैसे ज़्यादा कोई नहीं आया था। ये हमारी पड़ोसी हैं, हमारे बगल में रहती हैं, तो मैंने यहाँ पे कैमरा लगा दी थी। तो आप लोग भी मिल लीजिए हमारे पड़ोसी से, वैसे हमारे पड़ोसी काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पे कलर खेलने के लिए हमारी पड़ोसी आई हुई थी, तो मैं सोची कि कैमरा लगा देती हूँ और यहाँ पे मैं उन्हें कुछ खाने के लिए दे दूँगी। तो यहाँ पे मैं उन्हें कांजी बड़ा और छेना पायस दी हूँ खाने के लिए। और वह मैं पूछ रही थी कि और मैं कुछ लाऊँ क्या, ये चीज़ हमने बनाई है, तो बोली कि नहीं। और ये मिल लीजिए हमारे पड़ोसी से, काफ़ी हमारी पड़ोसी लोग अच्छे हैं। तो ये देखिए, इन लोगों से भी मिल लीजिए। ये रहा आइसक्रीम, छेना पायस और फ्रूट कस्टर्ड, कटोरी चाट और पापड़ी चाट, काफ़ी टेस्टी दिख रही है ना, मुँह में पानी भी आ रहा है अभी भी। और ये रहा कांजी बड़ा, और ये रहा दही बड़ा, और ये रहा गुजिया चाशनी वाली, और ये रहा हमारा मालपुआ, और ये रही आइसक्रीम। आइसक्रीम तो सभी को पसंद है। तो यहीं तक थी आज की हमारी वीडियो। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।